प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के विदेश दौरे पर हैं। ब्रुनेई में प्रधानमंत्री हैं और ब्रुनेई के बाद आज प्रधानमंत्री सिंगापुर के लिए रवाना होंगे और सिंगापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच कई विषयों पर आपसी सहमति बनेगी और हस्ताक्षर भी होंगे एमओयूज पर। विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दूसरा दिन है। ब्रुनेई में आज दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई के सुल्तान से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस दौरान उनके साथ रहे। भारत के ब्रुनेई के साथ जो संबंध हैं वो प्रगाढ़ हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है और साथ ही हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात के बाद कही है कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। ब्रुनेई के साथ भारत के 4 दशक पुराने संबंध हैं, 40 साल पुराने संबंध, और अभी तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री ब्रुनेई नहीं गया था और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का ये ब्रुनेई दौरा देश के यानी भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है ब्रुनेई में और उनका वहाँ पर ज़बरदस्त स्वागत भी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ब्रुनेई के उनके समकक्ष ने उनका स्वागत किया और इसके बाद द्विपक्षीय वार्ताएं भी हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता हुई उसमें भारत और ब्रुनेई के संबंध को और मजबूत बनाया जाए, आयात और निर्यात को लेकर भी चर्चा हुई। कई विषयों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है और आज ये उनका दूसरा दिन। जब प्रधानमंत्री कल पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद जिस होटल में प्रधानमंत्री ठहरे हुए हैं उस होटल के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग भी वहां पर मौजूद थे। ये तस्वीर ब्रुनेई की, देखिए पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान वहाँ पर उनका स्वागत किया गया।